हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एट डिप्स IMT रमणीक एवेन्यू जलंधर। द टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इज क्वालिटी सर्कल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल है क्या? क्वालिटी सर्कल क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो स्मॉल ग्रुप जो है वो अपने आप मिलके एक सर्कल बनाता है, जिनका पर्पस है रेगुलरली वो आपस में मिलेंगे और अपने उस पर्टिकुलर वर्क एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उस वर्क एरिया को कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करके वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। क्वालिटी सर्कल इज़ बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वॉलंटरली मीट रेगुलरली टू अंडरटेक वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। देखो, ये उनका है पर्पस, क्वालिटी इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, सेफ्टी रिलेटेड एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, कॉस्ट कैसे कम करनी है और अच्छी वर्किंग कंडीशंस को कैसे लेके आना है, एंड इवॉल्व रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन दी सिलेक्टेड फंक्शनल एरिया। द साइज ऑफ द क्वालिटी सर्कल इज इंपॉर्टेंट, बोथ टू बिग एंड टू स्मॉल शुड बी अवॉइडेड। जब आप क्वालिटी सर्कल में अपने ग्रुप का साइज डिसाइड करते हैं तो साइज बहुत मैटर करता है। साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े साइज़ का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपने आइडिया को प्रेजेंट करने की या वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की, और अगर ग्रुप बहुत ही छोटा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक या दो मेंबर्स ऐसे हों जो बाकी मेंबर्स को डोमिनेट करें, वो हर बार अपनी ही बात को मनवाएं। सो ग्रुप का जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नीदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। नेक्स्ट इज़ दी हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल्स वर ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय W. एडवर्ड डेमिंग इन द 1950s। डेमिंग प्रेस टोयोटा एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस। द आइडिया वॉज लेटर फॉर्मलाइज अक्रॉस जापान इन 1962 एंड एक्सपेंडेड बाय अदर्स सच एज कुआरू इशिकावा। द जैपनीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेटेड द मूवमेंट इन जापान। द फर्स्ट सर्कल स्टार्टेड एट द निप्पॉन वायरलेस एंड टेलीग्राफ कंपनी। The idea then spread to more than 35 other companies in the first year. This was the history at international level. If we talk about India, then Bharat Heavy Electrical Limited, that is BHEL, is the pioneer of quality circle in India. In January 1981, 5 quality circles were started in various shops in Ramachandrapuram unit at BHEL. But by October 1983, they were about 228 quality circles in the all units of BHEL. So that's how it expanded itself. Next is characteristics of quality circles. First is small group of people. Quality circle कुछ employees का एक group है जो same काम करते हैं, but it doesn't mean कि ये circle किसी specialist को consult नहीं कर सकता. In fact, ideas और solutions कहीं से भी लिए जा सकते हैं. But main thing is ये यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें बहुत कम लोग जो हैं वो मिलके अपना एक सर्कल तैयार करते हैं। सेकंड इज़ लिमिटेड मेंबर्स। सर्कल के मेंबर्स लिमिटेड होने चाहिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट शुड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स बिटवीन 3 and 10 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डिपार्टमेंट। साइज ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। सो सर्कल वैसे जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर मेंबर ज़्यादा होंगे तो आपस में उनके कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। देन इज़ वॉलेंट्री मेंबरशिप। सर्कल को ज्वाइन करने के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है, बट उनको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो सर्कल को ज्वाइन करें। ये उनकी अपनी विश है कि वो क्वालिटी सर्कल का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। मीटिंग रेगुलरली। इट इज़ प्रेफर्ड कि मेंबर्स एवरी वीक एटलीस्ट 1 घंटे के लिए मिलें और आपस में डिस्कशन करें, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर वो डिस्कशन करना चाहते हैं या जहाँ पर भी वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने वर्क एरिया से रिलेटेड। देन इज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर ओन सुपरवाइजर। क्वालिटी सर्कल पूरी तरह से वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से रिलेटेड है, इसलिए उस वर्क एरिया का सुपरवाइजर ही अगर उनका लीडर बने तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज वो अपने डिपार्टमेंट की हर एक्टिविटी और प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। देन इज़ आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड सोल्यूशंस। इस सर्कल का काम अपने वर्क एरिया की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना और उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ना कि दूसरों के फॉल्ट को हाईलाइट करना। देन इज़ प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस टू द मैनेजमेंट। डाटा कलेक्ट करने के बाद और सब मेंबर्स की आपसी डिस्कशन के बाद एक फाइनल सॉल्यूशन या वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम निकाला जाता है और उस सॉल्यूशन को मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है।
Then is continuous process. Quality circle is a continuous process which identifies problems and finds ways to improve the quality and productivity. ये ongoing process है जो चलता रहता है. It's not a one-time job. Then is management support. Top management must be committed to the movement and जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़े management को financial support या और किसी भी तरह की support जो कि quality circle को काम करने के लिए चाहिए वो उनको provide करनी चाहिए. एंड लास्ट इज रिकॉग्निशन. मैनेजमेंट को क्वालिटी सर्कल्स की अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते रहना चाहिए. वो आप मीटिंग्स करके भी कर सकते हैं या आप अपने कंपनी के जो जर्नल्स हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं. इस तरह के एफर्ट्स अगर मैनेजमेंट करेगी, इनको रिकॉग्नाइज करेगी, तो उसे क्वालिटी सर्कल के जो मेंबर्स हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं. देन टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल का अपना एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से ये क्वालिटी सर्कल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है. वैसे तो ये स्ट्रक्चर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता रहता है, बट इवन देन एक बेसिक फ्रेमवर्क होना बहुत यूजफुल रहता है. और इसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं. द नंबर वन इज टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट का काम है क्वालिटी सर्कल्स को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करना. देन इज चेयरिंग कमेटी. ये एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हेड उसका चेयरमैन होगा और डिपार्टमेंटल हेड्स उसके मेंबर्स. इनका काम होता है क्वालिटी सर्कल्स के फंक्शंस को मॉनिटर करना. इट ऑल्सो एक्ट एज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर यूजुअली उस डिपार्टमेंट या सेक्शन का सीनियर ऑफिसर होता है जिसे मैनेजमेंट नॉमिनेट करती है. इनका काम है क्वालिटी सर्कल्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और डायरेक्ट करना. उसके बाद आते हैं लीडर्स. तो क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स अपने ग्रुप में से किसी एक पर्सन को एज अ लीडर चूज़ करते हैं. लीडर हर प्रोजेक्ट के बाद रोटेशनली चेंज भी किए जा सकते हैं सो दैट लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी मेंबर को वन बाय वन मिलती रहें. देन कम्स मेंबर्स. क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स 5-8 लोगों का एक ग्रुप होता है हु आर डूइंग सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, जो अपनी मर्जी से ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. मेंबर्स का काम ग्रुप के साथ मिलकर अपने वर्क एरिया की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. After that comes non-members. Non-members employees भी circle का ही एक part हैं because ये वही लोग हैं जो quality circle की recommendations को implement करते हैं as a measure of improvement. And last is coordinating agency. Coordinating agency is responsible for organizing the activities of the circles throughout the organization. So this is the basic framework of organization structure of quality circle. Next we are going to do benefits of quality circle. First is it infuses team spirit among the workers. Quality circles का first benefit ये है कि इसमें जो group of employees ने आपस में मिलकर एक circle बनाया है, मिलकर काम करने से उनके अंदर जो है वो team spirit की feeling जो है वो develop होती है, मिलजुल के काम करने की भावना बढ़ती है. Then it improves decision making ability, क्योंकि वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इतने सारा, क्योंकि वहाँ पे एक group है तो single mind नहीं है जो decision ले रहा है, तो हर एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो उनकी जो ग्रुप की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है. इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉई कम्युनिकेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो क्वालिटी सर्कल है इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर जो कम्युनिकेशन करना है वो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ उनकी इम्प्रूव हो जाती हैं. इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. ऑब्वियस है वो हर प्रॉब्लम्स को आपस में एज अ ग्रुप डिस्कस करते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं. इट इम्प्रूव्स लीडरशिप स्किल्स, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि क्वालिटी सर्कल में वो अपने ग्रुप में कई बार रोटेशनली लीडर्स को चेंज करते हैं या प्रोजेक्ट वाइज लीडर्स को चेंज करते रहते हैं, तो इससे हर एक मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लीडर बनके वहाँ पे उनको लीड करने की, तो हर एक पर्सन की, हर एक एम्प्लॉय की लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं. इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. जब आप एक क्वालिटी सर्कल के ग्रुप में रह के काम करते हैं, आप अपने आइडियाज़ देते हैं, तो आपके अंदर एक, अगर आपके आइडियाज़ एक्सेप्ट हो जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. और जब आप दूसरों के आइडियाज़ को भी इम्प्लीमेंट करते हैं और वो सक्सेसफुली आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है. तो ये दोनों केसेस इसमें हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ट्रस्ट भी बढ़ता है.
इट इनकॉर्पोरेट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन. जब आप अपने उस सर्कल के ग्रुप एज अ उस ग्रुप के मेंबर सजेशंस देंगे, आइडियाज़ देंगे और आपकी बात वहाँ पे सुनी जाती है और उसको कंसीडर किया जाता है, तो एम्प्लॉई के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है. उसको लगता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. देन इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी सर्कल्स. First is, as the circle membership is voluntary, a member can drop out when he or she wishes so. This option may be even be exercised to force other members to come to his or her terms. Because अभी हमने पढ़ा था कि quality circle में आपको compel नहीं किया जाता उस group का member बनने के लिए, या आपकी इच्छा है कि आप member बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं. तो कोई भी member अपनी मर्जी से group को join भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से group को छोड़ भी सकता है. तो ये option मिलने की वजह से कई बार जो employees हैं या जो दूसरे members हैं वो अपनी conditions लगाना शुरू करते हैं कि अगर मैं इस group को join करूँगा तो आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी, या अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं इस group को लीव कर दूँगा. नेक्स्ट है, द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड फर्स्ट मे जनरेट मोर हीट अमंग द सर्कल मेंबर्स. किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है या नहीं करना है, कौन सी प्रॉब्लम पहले डिस्कस होगी, कौन सी बाद में डिस्कस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी मुद्दे पे ही उनका आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं सर्कल मेंबर्स के, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट आपस में अराइज हो सकते हैं. अ स्ट्रॉन्ग विल्ड मेंबर में बुलडोज हिज और हर आइडियाज ट्रेनिंग द रिलेशनशिप. जो स्ट्रॉन्ग विल्ड मेंबर्स होंगे, जो अपनी बात ज़्यादा गर्म जोशी से रख देते हैं और दूसरों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं कि मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, तो इस तरह के लोगों की वजह से जो उनके आपस के रिलेशनशिप हैं वो बिगड़ जाते हैं. द क्वालिटी सर्कल टेक्स अप अ प्रॉब्लम विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, दस वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी. कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को वो हाथ में ले लेते हैं ग्रुप के मेंबर्स जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. वो कह सकते हैं हम कि उनके लेवल की प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनको डिस्कस करनी नहीं चाहिए थी, इसका सोल्यूशन कुछ एक्सपर्ट्स निकाल सकते थे. तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम उन्होंने हाथ में पकड़ ही ली तो अगर वो उसके ऊपर डिस्कशन करते ही जा रहे हैं देन दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी. The departmental managers often prove less supportive as the members of the quality circles come to limelight. Often होता क्या है, जो quality circle के members हैं वो limelight में आ जाते हैं कि इन्होंने इस group ने इस problem को discuss किया था और इसका इन्होंने बहुत अच्छा जैसे solution निकाला है, तो उनको तो appreciation मिल जाता है. लेकिन उस चक्कर में departmental manager जो हैं वो फिर कई बार उस group को support नहीं करते. उनको manager को ऐसा feel होता है कि मेरे सपोर्ट करने से क्या है, मेरा तो नाम आना नहीं है यहाँ पे, अल्टीमेटली तो ग्रुप ने ही हाईलाइट हो जाना है, तो मेरी वहाँ पे कोई एप्रिसिएशन नहीं होगी, तो वो सपोर्ट नहीं करता इस तरह के ग्रुप्स को. देन इज़ फिक्सिंग अप मीटिंग टाइम बिकम्स डिफ़िकल्ट ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग वर्किंग डिमांड. अब एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग मेंबर्स जो हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कई बार क्योंकि हमने कहा है कि उनको रेगुलरली मिलना चाहिए या वो मिलते हैं हर वीक में कम से कम एक घंटा बैठ के डिस्कशंस करते हैं, तो ये चीज़ ये मीटिंग जो कंडक्ट करनी है ये कई बार मुश्किल हो जाती है. रीज़न बीइंग हर एक एम्प्लॉय का जो वर्किंग टाइम है वो अलग हो सकता है, किसी टाइम कोई वर्कर फ्री है, कोई दूसरा वर्कर किसी और टाइम पे फ्री है, तो वो इकट्ठा एक साथ सबका फ्री होना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है. द सर्कल में फॉर्म एन इम्प्रेशन दैट द मैनेजमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट्स सजेशंस होल हीटेडली एंड इज डिलीडलिंग द आइडिया विच मे हैव अ डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द सर्कल डीमोरलाइजिंग दैम. कई बार सर्कल को इस तरह का फील होना शुरू हो जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो उसके आइडियाज़ को, उसके सजेशंस को अच्छे से या होल हार्टेडली या तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही या सुन रही या एक्सेप्ट नहीं कर रही. रीज़न बीइंग उनको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो उसके उसको ऐसा लगता है, मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है कि उनके आइडियाज़ या उनकी जो प्लानिंग है वो क्वालिटी सर्कल की प्लानिंग या उनके आइडियाज़ से ज़्यादा बेटर है, तो इनके आइडियाज़ जो हैं वो इतने हाई फाई नहीं होंगे या इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे कह सकते हैं. तो इस केस में जो क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स हैं वो डीमोरलाइज फील करते हैं. एंड लास्ट है जी, क्वालिटी सर्कल में फील आफ्टर सम टाइम दैट इट हैज़ रन आउट ऑफ प्रॉब्लम्स विच इन इफेक्ट इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट ब्रेन स्टॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो क्वालिटी सर्कल को किसी टाइम पे इस तरह की फीलिंग भी आ सकती है कि वो आउट ऑफ दे आर रनिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि इस टाइम को इतनी
खास प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाए या जिसके रिगार्डिंग सजेशंस दिए जाएं, और ये ऐसा होता नहीं है इस टाइम पे. एक्चुअली ये हो ये रहा होता है कि वहाँ पे कमी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की एज़ पर दी रूल्स, यानी कि वो लोग सिचुएशन को इतना सीरियसली कंसीडर ही नहीं कर रहे होते कि कोई प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी है कि नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए. मे बी वो उसको छोटी प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर रहे हैं. वो हर प्रॉब्लम को छोटी छोटी समझ के अगर इग्नोर करे जा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी नहीं है इतनी बड़ी नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वालिटी सर्कल्स.